खुदावन के कलाम में से सीखें। आइए हम मिलकर खुदावन के कलाम को खोलें और लूका कबीर के मार्फत लिखा गया इंजीली बयान खोलिए मेरे साथ, उसका 18वां बाब देखिए। नौवीं से चौदहवीं आयत तक कोई भी बहन या भाई आवाज़ बुलाए खुदावन के कलाम को तलावत करे। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को ना चीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स साइकिल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में दो बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दय यकी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा कि ऐ खुदा, मुझ गुनेगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं दो लोग हैं जो दुआ करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि किस तौर से यस्सु जो है वो इस बात को, इस कहानी को सुनाता है। और हम जानते हैं कि यस्सु जब मुनादी करता था या जब तालीम देता था तो वो ज्यादातर तमसीलों में बातें करता था, और वो तमसीलों में ऐसी बातें करता था जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, डेली लाइफ से मुताबिक रखती हो, और ताकि उनको समझने में आसानी हो, उनकी आंखों के सामने वो चीजें और वो जो कहानियां सुनाता था, वो जो तमसीलें सुनाता था, उनमें जो किरदार होते थे वो भी उनके कल्चर के बड़े कॉमन लोग होते थे जो उस वक्त मौजूद थे। यहाँ पर हम आज सीखने को है कि रास्तबाज कौन है। आज के कलाम का उन्वान है रास्तबाज कौन है। अगर हम इसको देखें इस पूरी कहानी के या इस तमसील के हम सिनेरियो को देखें तो हम नौवीं आयत में देख सकते हैं कि यीशु किन लोगों से मुखातिब है और सामईन कौन है। हम जानते हैं कि यीशु जो कलाम सुनाया करता था तो एक मिक्स क्राउड, एक मिली जुली भीड़ होती थी, जिसमें महसूल लेने वाले, गुनाहगार लोग, बीमार जो अपनी बीमारियों से शिफा पाना चाहते हैं, और फरीसी भी होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वो उसे आजमाना चाहते थे, वो उसे उसी की बातों में फंसाना चाहते थे। और यहाँ पर मौजूद है क्योंकि नामी आयत क्या कहती है, फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते कि हम और बाकी आदमियों को कुछ भी नहीं समझ सके अपनी रास्तबाजी पर। अब वो दो ऐसे काम करे वो लोग जिनसे यीशु इस वक्त यहाँ मुखातिब है। सबसे पहली बात है कि वो अपने पर बड़ा भरोसा, ठीक है, वो उनको लगता है कि बस हम अपने लिए काफी हैं, हमें और किसी की जरूरत नहीं, हमें अपने लिए कुवत और सब कुछ मौजूद है। और दूसरी चीज, उनके सामने जो लोग हैं, उनके आसपास जो लोग हैं, वो उनको क्या कमतर और नाचीज समझ रहे हैं और कुछ भी नहीं समझ रहे। अगर हम इस तमसील से थोड़ा सा पीछे जाके देखें और इस बाब की जो इब्तदाई आयात है, यानी पहली 8 आयात, उनमें एक और तमसील हमें जो है वो देखने को मिलती है, और हम उसको पढ़ेंगे तो नहीं और ना उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उसका खुलासा ये है कि वो बेवा और ना बेइंसाफ काजी की, जी बेइंसाफ काजी की तमसील है, जिसमें हम बेहतर तौर पर जानते हैं कि किस तरह से वो बेवा जब बार बार काजी के पास जाती है तो वो तंग आके उसका इंसाफ कर ही देता है। वो अपने जी में क्या सोचता है कि मैं तो ना तो खुदा से डरता हूँ ना मुझे लोगों का खौफ है, लेकिन इस औरत ने क्या किया, मेरे नाक में दम कर दिया, इसलिए
काम किया कि मैं इसका इंसाफ करूंगा, तो यीशु क्या कहता है कि जब वो बेइंसाफ काजी जो है वो इंसाफ करता है तो तुम्हारा आसमानी बाप क्यों कर तुम्हारा इंसाफ। उसने ये बात इसलिए कही ताकि वो इस बात पे जोर देना चाहता था, ये तमसील सुनाने का मकसद ये था ताकि वो उनको बताए, वो एम्फसाइज करे कि दुआ की क्या अहमियत है और मुसलसल दुआ करते रहने की क्या अहमियत है। अगर जवाब नहीं आ रहा तो भी आप दुआ करते रहें तब तक जब तक जवाब ना मिले। और फिर अगली ही तमसील में वो क्या करता है, दुआ करने के तरीके पर रोशनी डालता है। वो क्या करता है, दुआ करने के तरीके पर रोशनी डालता है। अब वो जो कहानी बताता है उस कहानी में क्या है, दो लोग, उस कहानी के किरदार कितने हैं, दो किरदार हैं और वो कौन कौन है, एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला। अब लूका तबीब के इंजीली बयान में फरीसी हमें यस्सु के ओपोनेंट मुसलसल नजर आते हैं, कहीं वो यस्सु को उसकी बातों में फंसाना चाहते हैं और कहीं वो उस पर तंकीद करते नजर आते हैं। क्या तंकीद करते हैं, मुख्तलिफ तंकीदें उसके ऊपर करते नजर आते हैं कि ये क्या करता है, सबत के रूल्स को तोड़ता है, सबत के दिन में शिफा दे रहा है, इसके शागिर्द सबत के दिन क्या करें, खेत में से बाले तोड़कर खाते हैं, ठीक है। दूसरा और क्या तंकीद करते हैं कि ये बदकार लोगों के साथ उठता बैठता है, ये महसूल लेने वाले और गुनाहगारों का यार है, ये उनके साथ उठता बैठता और खाता पीता है। और अगर हम याद करें लूका ही की इंजील के सातवें बाब में 36वीं आयत से आगे हम अगर देखें तो वो जो औरत है, जो बदकार औरत है, जो आके यीशु के क्या करती है, अपने आंसुओं से उसके पांव धो देती है और ये हाँ जी और अपने बालों से पोंछती है। शुक्रिया। अब ये हो कहाँ रहा है, ये एक फरीसी के घर में हो रहा है जिसने यीशु को खाने पर बुलाया और जब वो आती है तो वो फरीसी अपने जी में सोच के कहता है अगर इसको पता होता ना ये कौन है, ये सही बंदा ही नहीं है, हमने तो इसको नबी या कुछ बड़ा समझ के बुलाया पर इसको तो पता ही नहीं है, अगर इसको पता होता कि ये औरत कौन है तो ये उसको ऐसा करने ही ना देता। पर फिर यीशु उसके दिल के ख्याल जानकर उसको जवाब देता, उसको कहता है कि जिसके ज्यादा गुनाह माफ हो उसने ज्यादा मोहब्बत दिखाई। और फिर हमें याद है जब मत्ती को यीशु ने अपने पीछे चलने के लिए बुलाया और मत्ती के घर में एक रोज जब वो खाना खाने को बैठे थे तो वहां फिर फरीसी आते हैं और तनकीद करते हैं कि तू महसूल लेने वालों के साथ खाता पीता, तू नहीं जानता ये कितने गुनाहगार लोग हैं। और हमें नजर आता है कि वो यीशु के कंटिन्यूसली वो यीशु की मुखालफत करते हैं, ठीक है। फरीसी जो है वो मुस्तकिल तौर पर और मुसलसल यीशु की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं। अब अगर फरीसियों को देखा जाए तो यीशु मसीह के दौर में ना फरीसी वाकई बहुत इज्जतदार थे, ठीक है, वो इज्जतदार लोग थे। और एक कहावत यीशु के जमाने में मशहूर थी कि अगर दो लोगों को बचाया जा सकता है ना, दो लोगों को निजात मिल सकती है तो उनमें से एक तो फरीसी होगा ही होगा। मतलब वो जिस तरह हमारे वो बहन भाई भी जो है वो समझते हैं कि जन्नत तो फिर वो फरीसी जी फरीसी भी फरीसियों के बारे में भी ये बात मशहूर थी कि ठेकेदार हम ही है और हम ही बचाए जा सकेंगे। लेकिन हम जब खुदा के कलाम का मुताला करते और अनाजील को पढ़ते हैं और यहाँ तक के हम खतूत को भी जब देखते हैं, यानी जब मैं नए अहदनामे की बात करूं तो हमें फरीसियों के ऊपर भी तनकीद नजर आती है, जैसे कि सफेदी फिरी हुई कब्रें हमने पढ़ा है, ठीक है। और क्या पढ़ा है हमने, यीशु क्या कहता है कि हर चीज पर तो डायट भी देते हो पर इंसाफ को पसंद नहीं किया। हम देखते हैं कि फरीसियों के ऊपर भी तनकीद है और वो तनकीद जो है वो मुसन्नफीन ने और पौलुस रसूल ने, अनाजील के मुसन्नफीन ने और पौलुस रसूल ने इसीलिए शामिल की ताकि वो इब्रानी और यहूदी तजर्बे से हटकर मसीहत के तजर्बे को, जिसमें डायट की से ज्यादा जो है वो इंसाफ पसंद किया गया। जाहिरी जो है वो आपके जो पहनावे से ज्यादा आपके अंदर की सफाई, हाथ धोने से ज्यादा आपके दिल के साफ होने पर जोर दिया गया। तो यहाँ पर जो है वो मुसन्नफीन जो है वो इसीलिए तनकीद करते हुए नजर आते हैं क्योंकि वो मसीहत के रूल्स को जो कि जो ज्यादा
आपके अंदर के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो जाहिरी चीजों और कामों के साथ ताल्लुक नहीं रखते उन पर जोर देते हुए नजर आते हैं। अब फरीसी यीशु के जमाने में बहुत ही ज्यादा इज्जतदार लोग थे, और जब हम ये तमसील जो हमने अभी अभी सुनी, भाई ने तलावत किया, जब हम इसको देखते हैं तो जो फरीसी जो हैकल में दुआ करने गया था ना, हमने देखा कि दो गए थे, तो फरीसी वाकई बड़ा अच्छा, फरीसी वाकई ही अच्छे काम। हम देखते हैं कि वो क्या कहता है, उसने क्या क्या कहा खुदा से, जी मैं यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम बेइंसाफ जनाकार, ये तो अच्छी बात है। अगर हम इन तीन चीजों पर गौर करें तो अच्छी बात है कि वो शख्स जालिम बेइंसाफ और जनाकार नहीं है, और ये वो बातें हैं जो मूसा की शरीयत मना करती है, और वो इसीलिए वो खुश है कि वो अच्छे काम करता है और एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा फरीसी है। अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि वो न सिर्फ हमें शरीयत पर अमल करता हुआ नजर आता है, बल्कि उससे भी बढ़कर क्या कहता है, वो कहता है कि मैं हफ्ते में हाँ जी, तो अगर रोजे की बात करें तो रोजे का क्या हुक्म है शरीयत में, जो हुक्म है रोजे का, एक कौन सा दिन था वो, यौम कपूर के दिन रोजे का हुक्म है शरीयत में, ठीक है, लेकिन ये हमें शरीयत से भी बढ़कर उस पर अमल करता हुआ नजर आता है, वो हफ्ते में दो दिन रोजा रखा है, और जब फिर बात होती है दाय की, अपनी सारी आमदनी पर दाय की देता है, और मुझे ऐसा मालूम होता है कि वो शायद सिर्फ अपनी आमदनी पे नहीं, जो चीजें उसने कमाई है उनमें नहीं, बल्कि जो वो खरीदो फरोख करता है उनपे भी, क्योंकि यीशु ने कहा था ना जीरे और पुदीने तक पर दाय की देते। हो सकता है उसके जहन में ये बात हो कि जिस शख्स से मैंने ये जीरा पुदीना और दीगर अशिया खरीदी है उसने टैक्स ही ना दिया, उसने टैक्स ना दिया और मैं क्यों ना करूं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसपे उसके ऊपर भी दाय की देता है, यानी उसका टैक्स भी अदा करता है। क्या हम में से कोई आज डबल GTS अदा करना पसंद करेगा, यकीन नहीं, यकीन नहीं, लेकिन ये फरीसी हमें डबल GTS पे करता हुआ भी देता है। हम देखते हैं कि वो ना सिर्फ अपनी आमदनी अपनी कमाई पर दाय की देता है, बल्कि वो हर उस चीज पर जिसे वो खरीदता है दाय की देता हुआ नजर आता है। अब ये फरीसी ऐसा शख्स था कि शायद आज हम चाहें कि वो हमारी कलीसिया में जरूर है, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहा है, वो दाय की इतनी अच्छे तरीके से दे रहा है, वो दुआ और रोजे में इतना ठीक है, वो शरीयत पर इतना अच्छे तरीके से शरीयत से भी ज्यादा अमल करता है, और हमें लगे शायद वो हमारे चर्च के अंदर हर तरह की खिदमत जो है वो बखूबी कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं वो महसूल है, और वो फरीसी जितना अच्छा शख्स था ना, शायद वो महसूल लेने वाला उतना ही बुरा शख्स था, और वो फरीसी उस महसूल लेने वाले के बारे में वाकई दुरुस्त था, वो फरीसी जो है वो उस महसूल लेने वाले के बारे में वाकई दुरुस्त था। अब वो एक टाइट कम्युनिटी में रहते थे जिसमें लोग एक दूसरे को अच्छे तौर से जानते हैं, और एक दूसरे की रेपुटेशन से वो बखूबी वाकिफ थे। ये भी हो सकता है कि उस फरीसी का इस महसूल लेने वाले के साथ शायद कोई जाती और शख्सी तजुर्बा भी रहा हो महसूल की चौकी पर, जिसकी वजह से वो कहता है कि इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं। हो सकता है कि उसका कोई ऐसा मुमकिन है कि उसका ऐसा कोई तल्ख तजुर्बा रहा हो उसके साथ, क्योंकि महसूल लेने वालों को तो जालिम समझा जाता है, हो सकता है कि उसके ऊपर कोई जुल्म वाकई उस महसूल लेने वाले की तरफ से हुआ। जरा महसूल को देख लेते हैं, हम जानते हैं कि यीशु के दौर में कौन हुकूमत करते थे, रूमी हुकूमत किया करते थे, और मुल्क फिलिस्तीन पर भी सुपर पावर उस टाइम की कौन थे, रूमी थे, और मुल्क फिलिस्तीन पर भी उनका तसल्लुत था, और उनकी सल्तनत में जो भी लोग रहते थे उनको क्या होता था, टैक्स देना पड़ता था, महसूल देना पड़ता था, और होता क्या है कि वो इनसे टैक्स लेने के लिए इन्हीं के भाइयों को, यहूदियों से टैक्स लेने के लिए इन्हीं के भाइयों को चुनते थे, और वो अब उनसे जो यहूदी थे वो उन टैक्स कलेक्टर्स
या महसूल लेने वालों से शदीद नफरत करते थे। वो इसलिए नफरत करते थे क्योंकि उनको लगता था कि हमारे भाइयों के हम पे जुल्म करते हैं, ठीक है, हमारे भाइयों के हम पे जुल्म करते हैं। और उनका मानना था कि ये जो पैसा कमाते हैं ये क्या है, अनक्लीन मनी है। और अगर हमारी आज की आम जबान में बात करें तो वो हक हलाल की कमाई नहीं है, वो अपने भाइयों को लूटते हैं, ठीक है। वो जो है वो जो पैसा कमाते हैं वो अनक्लीन मनी है। और उनको ये भी उनका ये भी कंसर्न था कि ये तो नापाक गैर कौम वालों के साथ खाते पीते और उठते और बैठते हैं, ठीक है, ये इस लायक ही नहीं है कि हमें इनका शुमार हो। और यहाँ तक के जो यहूदी भिखारी हुआ करते थे ना, वो भी इन महसूल लेने वालों से भीख तक नहीं लेते, मतलब इतना उनको डिस्गस्टेड फील कराया जाता था और इतना उनको उनसे नफरत, शदीद नफरत थी कि उनसे भिखारी भी लेना पसंद नहीं करते थे। और इस बात में बिल्कुल भी कोई शक नहीं है क्योंकि खुदाम का कलाम भी हमें बताता है इसके बारे में। और गुज़िश्ता दिनों में मैं एक क्रिश्चियन सीरीज देख रही थी, द चोज़न, उसे बड़ी खूबसूरती से यीशु के ही जमाने का बताया हुआ, जिस तरह यीशु ने अपने शागिर्दों को चुना। और मैं मत्ती के बारे में देख रही थी कि जब मत्ती को यीशु ने बुलाया उससे पहले मत्ती इतना आइसोलेटेड था कि वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता था, उसके माँ बाप उसे छोड़ चुके थे क्योंकि वो महसूल लेने की जॉब अपना चुका था, महसूल लेने का काम करता था, और उसके माँ बाप क्योंकि वो पक्के यहूदी थे वो उसे छोड़ चुके थे। और एक इवेंट था थैंक्सगिविंग का जिसमें वो सब मिलकर खाना खाते हैं और मत्ती के पास कोई नहीं था सिवाय उसके पेट डॉग के, एक कुत्ते के जिसको उसने पाला हुआ था, उसके साथ बैठ के वो खाना खा, ठीक है, उसके पास कोई शख्स नहीं था, कोई उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता था, खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, कोई उसे हाथ में लाना पसंद नहीं करता था। और जो जिस वाक्य का मैंने जिक्र किया कि जब मत्ती के घर में वो मौजूद थे खाना खाने के लिए, तो फरीसी आते हैं और वो फरीसी यीशु को कहते हैं कि तू इनके साथ क्यों बैठता है, ऊपर बैठता है, ये तो कभी हैकल में आके इन्होंने तो कुर्बानी नहीं चढ़ाई, ये तो गुनाहगार लोग हैं। और तब मत्ती कहता है कि हमें तुम इजाजत नहीं देते कि हम हैकल में, यानी कि उनको इतनी इजाजत भी नहीं थी कि वो खुदा के घर में आके अपनी कुर्बानियां गुजरान सके। तो महसूल लेने वाले वाकई ही बहुत ज्यादा नफरत का शिकार थे और उस वक्त उनके भाई उनसे शदीद जो है वो नफरत किया करते। उस कहानी की तरफ गौर करें, हम दोबारा उस कंपैरिजन को देखते हैं और हम देखें उन दो किरदारों का मुआवजना अगर हम करके देखें, तो हम वाजे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लोग हैं और एक शख्स जो है वो अपने लोगों में से बेहतरीन है, ऐसा ही है, वो फरीसी है, वो अच्छे अच्छे काम करता है, शरीयत पर अमल करता है, वो अपने लोगों में से बेहतरीन है। और दूसरा महसूल लेने वाला अपने लोगों में से बदतरीन। जो बातें मैंने आपको महसूल लेने वालों के बारे में बताई, क्या पिक्चर बनती है, एक बदतरीन शख्स वो बेहतरीन, एक बेहतरीन है और दूसरा बिल्कुल उसका उलट, एक बदतरीन शख्स एक शरीयत से बढ़कर उस पर अमल करता है। एक रोजा का है, दो रोजे रखने वाला, आमदनी पे दायित्व की का है, खरीदो फरोख पर भी दायित्व की देता है, और दूसरा शरीयत में जितना ठहराया है उससे बढ़कर महसूल लेने वाला, जितना शरीयत ने ठहराया उससे बढ़कर महसूल लेने वाला। एक तो रोजे रखता है और दूसरा उनकी जबान में खाऊ, बाइबल में लिखा है ना, वो यीशु कहा था खाऊ और शराबियों के साथ उठता बैठता है ना, तो दूसरा उनकी नजर में कौन है, खाऊ, एक रोजे रखकर बेचारा अपनी जान को दुख दे रहा है और दूसरा जो है वो याशी कर रहा है, मजे कर रहा है, खा पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, एक जो है वो हमें खुदा का शुक्र करते रहा और दूसरा जो है वो माफी की भीख मांगते हुए नजर। हमने क्या क्या फर्क देखा, एक बेहतरीन, दूसरा बदतरीन, एक शरीयत पर शरीयत से बढ़कर अमल करने वाला और दूसरा लिखे हुए से बढ़कर महसूल लेने वाला। तीसरा हमने क्या देखा फर्क, एक रोजे रखता है और दूसरा खाऊ है, और चौथा फर्क हमने क्या देखा, एक खुदा का शुक्र करता नजर आता है और दूसरा माफी की भीख मांगता है। हम
इन सारी बातों को देखा, ये जो अभी हमने फर्क दोनों के दरमियान में देखा, क्या लगता है वाकई फरीसी जो है वो सही था? क्या समझते हैं? फरीसी जो है वो अच्छा इंसान ही था, हम कह सकते हैं कि वो सारे अच्छे काम ही कर रहा है, उसके कोई गलत काम तो किए नहीं है, और अगर उसको लेके मसूल लेने वाले थे तो उनकी शरीयत के मुताबिक वो एक गुनाहगार शख्स है। और अगर हम बात करें तो जो फरीसी है वो ही सारी जजा डिजर्व करता है, वो ही सब अच्छी चीजें जो है उसके लायक है, और दूसरा जो मसूल लेने वाला है वो क्या है, वो तो सजा के लायक है, वो तो वाकई सजा के लायक है। और हम अक्सर अपने इर्द गिर्द में अब क्योंकि हमने इन क्वालिटीज को देखा और सारी जो क्वालिटीज और खसूसियात हैं वो उस फरीसी के अंदर बहुत अच्छी और उस महसूल लेने वाले के अंदर सारी नींद खसूसियात उसकी, और अगर इनका मुआवजा किया जाए तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि वाकई फरीसी जो है वो लास्ट पास है और महसूल लेने वाला क्या है, गुनाहगार शख्स है। अब वो गुनाहगार शख्स है। अब जब मैंने खुसूसियात की बात की तो अक्सर औकात हम भी देखते हैं, हम किसी शख्स की खुसूसियात को देख के हम जज करते हैं, है ना, कोई बड़ा रूहानी लग रहा है हमें, है ना, वो लग रहा है हमें बड़ा रूहानी, हम कहते हैं हाँ जबरदस्त है, ठीक है, और दूसरा जो है शायद उसकी जिंदगी में कोई कमी कमजोरी हमें दिख जाए, क्योंकि कमजोरियां तो हम सब में है ना, किसी की दिख जाती किसी की नहीं दिखती, मानते हैं इस बात को, क्योंकि हम यस्सू तो है नहीं कि कामिल इंसान हो, हम तो गुनाहगार लोग हैं, ठीक है, गुनाहगार से ज्यादा बढ़कर अगर मैं कमजोर जाऊँ क्योंकि गुनाह हमारे धो दिए गए, लेकिन हम कमजोर हैं, ठीक है, अब कमजोरियां किसी की दिखती है और किसी की नहीं दिखती, और अगर किसी की दिख जाए तो हम कहें, हम कहते हैं क्या कहते हैं, थोड़ी मदद करें, अगर दुआ के बारे में देखें, आपने सुना है कभी, या हो सकता है आपने खुद भी जज किया ही हो, और या तो शायद कभी आपको जज किया हो उसकी कमजोरियों पे, आपने कभी सुना है कि इसकी तो दुआ सुनी नहीं जानी, ये की दुआ कर रहे हैं, है ना, है ना, मैंने ऐसी बातें जब सुनती हूँ तो मुझे बड़ा शौक लगता है कि ये, मैंने ये भी सुना है कि ऐसे लोगों की दुआएं जो है वो इग्नोर शायद की जाती हैं, या शायद वो किसी ने अगर अपने गांव में वेस्टर्न कल्चर है पहन लेते हैं, गलत है नहीं करना चाहिए लेकिन वो कल्चर है, और लेकिन फिर भी उनकी दुआएं सुनी जाती हैं, हम जैसे लोग उनको देख के कहते हैं कि इसकी तो सुनी नहीं जानी पर उसकी सुनी जाती, हमने अक्सर देखा है, अक्सर शायद आपको तजर्बा हो, क्योंकि ईमानदार होते हुए हमारे साथ बहुत दफा होता है कि आप कमजोर हैं लेकिन हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम क्या बन जाएं सुपर हीरो, हम जो वो असल में महसूल लेने वाले की दुआ की खूबसूरती क्या है वो हम थोड़ी देर आगे देखेंगे कि उसने कमजोरी को महसूस किया, वो महसूस करता है कि मैं कमजोर हूँ और मुझे जरूरत है, ठीक है, अब और ऐसी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी बड़ी मिसालें हैं जहां हम देखते हैं कि हम जज करते हैं, तो मजे की बात तो ये है कि जज को यीशु ने भी नहीं किया था, क्या यीशु ने कहा था मैं सजा का हुक्म देने नहीं आया, अदालत कौन करेगा, बाप, अदालत का काम है ही बाप का, यीशु ने नहीं अदालत की तो हम बैठे एक दूसरे की अदालत करते हैं, ठीक है, ये बहुत कॉमन बात है, और इस वक्त में जब मैं इन क्वालिटीज को देख रही थी तो मैंने वाकई देखा कि हम भी खुसूसियात को देखकर, हम भी लोगों की खुसूसियात को देखकर हम अपना हुक्म सुना देते हैं कि इसके लिए सुनिए, ठीक है, अक्सर मैं ये भी कहते सुना है कि इस बंदे का तो मुझे पता ही था कि इसका काम होना ही नहीं है, या इस ये ऐसा बंदा है इसका, और वहां पे है तो मैं शायद जो लोग मौजूद हो वो भी कहते हूँ कि ये मैं सुन देने वाला काम सोच के आ गया, इसका कुछ नहीं होना, है ना, एंड मुमकिन है क्योंकि उस वक्त भी तो मेरे और आप जैसे लोग थे और ऐसा ही सोचते थे, ठीक है, तो वो सोचते होंगे, और वो जो नामी आयत में हमें नजर आते हैं खुद को रात पास समझते हैं और दूसरों को, उन्होंने तो सोचा होगा ये गुनाहगार इसका तो कुछ नहीं होगा, ऐसा ही है उन्होंने सोचा होगा ऐसा। अब अगर हम उनकी दुआओं को देखते हैं, मैंने कहा कि उसकी दुआ उसकी मौसर थी, अब उनकी दुआओं को देखते हैं एक बार फिर जरा खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, उनकी दुआओं को जरा गौर से देखते हैं,
दसवीं आयत से देखिएगा कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। अब ग्यारहवीं आयत से हम देख लेते हैं वो दुआ करें। फरीसी खड़ा होकर जी में यूं दुआ करने लगा। अच्छा, अब यहाँ पर रुकते हैं। खड़ा हुआ है वो, और मुझे लगता है कि वो ना सबसे आगे जाके खड़ा हुआ होगा, क्योंकि हमें पता है इंजील बताते हैं कि वो गलियों चौकों में खड़े होकर दुआ करते थे ताकि लोग उन्हें रास पास जाने। तो एन मुमकिन है कि वो ना हैकल में सबसे आगे जाके खड़ा हो गया होगा ताकि दुआ तो चलो मैंने कर ली है, थोड़ी शोभा थोड़ा नजर भी आ जाए मैं आया हूँ दुआ करने। ठीक है, आगे जाके खड़ा होके क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। अच्छा, फिर आगे क्या लिख रहा है? अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। शुक्र करना तो बहुत अच्छी बात है। पास्टर साहब ने भी पिछले दिनों शुक्रगुजारी पे कलाम सुनाया, शुक्रगुजारी बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुक्रगुजारी का उन्होंने एटीट्यूड भी बड़ा अच्छा बताया था। यहाँ तक तो शुक्र करता हुआ हमें फरीसी अच्छा लगता है, लेकिन आगे वो शुक्र किस बात पे कर? Isn't it funny? थोड़ा अजीब नहीं है कि वो शुक्र इस बात पे नहीं कर रहा कि खुदा तूने मुझे बड़ी बरकतें दी हुई है या तू मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है। हमने तो यही सीखा ना, शुक्रगुजारी किस लिए करनी है? खुदा जो आपके लिए करता है, खुदा जो आपको देता है। ठीक है, वो किस बात पे शुक्र कर रहा है? कि मैं इसकी तरह कर रहा हूं, ये मैं, उसमें तो मैं है, वो तो मैं से। दुआ उसकी कहां से शुरू हो रही है? मैं से। ठीक है, वो अपने आप को पहली पोजीशन में रखता है और अपने आप को क्या बना लेता है? सब्जेक्ट। ठीक है, उसकी दुआ का सब्जेक्ट कौन है? वो खुद ही है। ठीक है जी, बाकी आदमियों की तरह क्या नहीं हूँ? जालिम नहीं हूँ। वैसे ये मैंने पहले भी कहा, जालिम ना होना तो अच्छी बात है, लेकिन उसने क्या किया? अपने आप को क्या कर दिया? कंपैरिजन करना शुरू हो गया। वो दूसरे आदमियों के साथ अपना मुआवजा करे कि खुदाया मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम नहीं हूँ, बेइंसाफ नहीं हूँ, जिनाकार नहीं हूँ। ठीक है, अब वो कर क्या रहा है? शुक्र तो खुदा का कर रहा है, पर खुदा की उसने एक भी अच्छाई बयान नहीं की। उसने किसकी अच्छाइयां बयान की? वो कौन सा सबूर हम गाते हैं? तेरियां सिफतों के गाने या गीत? तो यहाँ पे तो वो अपनी सिफतों के गीत ही गाता हुआ नजर आता है। ऐसा ही है, ऐसे ही उसका तो गीत भी अलग होगा, मेरियां सिफतों के, है ना? उसका तो वो जब जबूर रहेगा तो वो ऐसे नहीं गाएगा कि तेरियां सिफतों के गाते हैं, ये मुझसे मेरियां सिफतों, वो अपनी सिफतों के खुद गीत गा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहा है? कह रहा है कि मैं बाकी आदमी की तरह जालिम, बेइंसाफ और जनाकार नहीं हूँ। अपने आप को पहले तो वो एक बड़ा जनरल रखता है, ठीक है, उमूमी रखता है। ठीक है, बाकी सारे आदमियों को उसने बीच में घेर लिया, और फिर वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, खसूसी बात करता है कि इस महसूल लेने वाले की तरह माने नहीं हूं। फिर पहले वो जो है वो उमूमी बात कर रहे हैं, आम बातचीत कर रहे हैं कि बाकी आदमी जालिम, बेइंसाफ, जनाकार हैं, और फिर वो अपनी आखिरी जुमले में क्या करते हैं? वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता है, खुसूसी बात खुदा से करता है कि मैं इसमें सुन लेने वाले की तरह भी नहीं। अब मैं सुन लेने वाला क्या? अब जरा देखते हैं हम। अच्छा, इधर ये भी देख लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि मैं तेरा शुक्र करता हूँ, रोजे भी रखता हूँ। ठीक है, मैं हफ्ते में दो बार रोजे रखता हूँ, सारी आमदनी पर जाई भी देता हूँ। अच्छा, अब रोजे रखने में भी उसने खुदा की किसी पढ़ाई को नहीं दिखाई कि मैं किस लिए रखता हूँ। शायद वो कहता है कि मैं इसलिए रखता हूँ कि तूने मेरे लिए बड़े काम किए हैं या तो मेरी दुआओं को सुन लेता है। ठीक है, और शायद कहता है दायित्व के बारे में जब वो बात कर रहा था, हम जब हदिया लेते हैं तो क्या अनाउंसमेंट होती है? खुदा के दिए में से उसको मिलता। उसने ये भी नहीं कहा कि जो कुछ तूने मुझे दिया उसकी दायित्व देता। अपने 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 में वो सारी बातें ला रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अपनी सारी आमदनी पे दायित्व करता हूँ। तो ये दुआ हमें कितनी सेल्फ सेंटर्ड नजर आती है। दुआ का मरकजी किरदार कौन है? वो खुद ही है। ऐसा ही है, हमें नजर आता है सबसे पहले तो वो खड़ा है आगे। जरा देख, जरा सोचे कैसा लगता है आपको? सबसे आगे खड़ा हुआ है, ठीक है, दिखा रहा है। क्योंकि अगर आपने पुरानी मूवीज भी देखी हो और बाइबल भी कहती है कि वो ना गली बाजारों में मार्केट प्लेस में खड़े होकर हिल हिल के वो शुरू हो जाते थे। वो क्यों शुरू हो जाते थे? ताकि लोगों को एक उनके काले और सफेद कपड़े होते थे, फ्रीसी के कपड़ों से पहचाने जाते थे। फिर वो ना ऊंची ऊंची दिखावे की दुआएं करते थे। तो यसु उनको क्या कहता है? रियाकार, यही कहता है, कहता है उनकी मानन ना बनो,
पर क्या जब तू दुआ करे तो वो शहीद ही है, ठीक है। अब वो दुआ करे सबसे सामने जाके दुआ कर रहा है, शुक्र तो कर रहा है, पर किसने शुक्र कर रहा है कि मैं बड़ा ठीक है, मैं परफेक्ट हूँ और जबरदस्त हूँ और मैं स्कूल लेने वाला जा सकता हूँ। मैं स्कूल लेने वाले को आइए जरा तेरी आयत पे देखते हैं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर, अब वो दूर खड़ा होगा तो इसका मतलब वो पीछे बेचारा खड़ा होगा, और वो शायद इसलिए खड़ा होगा कि वो इतना शर्मिंदा हो कि लोगों को सामना भी ना करना चाहे, ठीक है। वो हमें शर्मिंदा नजर आता है, नादिम नजर आता है कि वो पीछे दूर खड़ा है कि नहीं मैं नहीं सामना, ठीक है। और फिर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, खुदा से भी शर्मिंदा ही होगा, ठीक है। नदामत हमें यहाँ पर नजर आती है, ऐसा है कि नहीं, खुदा से भी शर्मिंदा ही होगा। और क्या किया उसने, छाती पीट पीट कर, और उससे तो मैं शर्मान हूँ। छाती पीटने के एक्ट से हमें लगता है ना कि हो सकता है वो बेचारा शर्मिंदा और वो पशमान है। और फिर वो क्या करता है, रहम की भीख मांगता है। वो क्या कहता है, खुदा वो जान चुका है, वो जानता है कि मैं गुनाहगार हूँ, और वो जानता है कि मुझे उसकी जरूरत है जो रहम कर सकता है। वो जानता है कि एक है जो मुझे इस सब में से निकाल सकता है। अब जैसा मैंने पहले जिक्र किया, परीसी की दुआ हमें ना बड़ी सेल्फ सेंटर्ड अपने बारे में, ऐसा ही है। और रसूल लेने वाले की दुआ पर यहाँ पर क्या था, कैसी है, उसने इकरार कर लिया, उसने इकरार कर लिया अपनी गलती मान लो या तो जिस तरह वो सब्जेक्ट वहाँ पर जो है मरकजी के दार फरीसी की दुआ में कौन था, वो खुद था। इस रसूल लेने वाले की दुआ में कौन है, वो किस पर इंतजार कर रहा है, फरीसी ने किस पर किया, उसको खुदा की जरूरत नहीं लगता है कि उसको खुदा की जरूरत नहीं है। वो बता रहा है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, खुदा को ये क्या कहूँगा। हमें यीशु ने क्या दुआ सिखाई, जैसी तेरी मर्जी, तो वो कहता होगा शायद फिर इसी की दुआ ये हो कि तू आसमान पे अपनी कर, इधर मैं ठीक है मैं कर लूंगा, इधर तेरी मर्जी की जरूरत नहीं है, बल्कि इधर तेरी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तो बाकी आदमी की तरह इंसाफ और मैं तो जो है वो जिनाकार भी नहीं हूँ और क्या जालिम भी नहीं हूँ, बेइंसाफ भी नहीं हूँ और इस महसूल लेने वाली की तरह हरगिज नहीं, है ना, यही है ना। तो फिर मैं हूँ, तू आसमान पे रह, मैं इधर। लेकिन महसूल लेने वाला क्या करता है, पूरा का पूरा इंसाफ जो है वो किसके ऊपर रख देता है, उसकी नजरें, उसने अपनी आंखें उठाई तो नहीं, लेकिन उसकी निगाहें कहाँ लगी हुई है, और फरीसी की निगाहें अपने ऊपर ही लगी हुई है, I am the best, मुझे नहीं जरूरत है ना। अब हमें फरीसी तो अपने ऊपर ही पूरा भरोसा करते हुए दिखता है, और महसूल लेने वाला किसके ऊपर भरोसा करता है, खुदा पर भरोसा करता है। अगर हम इस चीज को देखें तो अक्सर हमने इस तमसील को ज्यादातर ऐसे सुना है कि महसूल लेने वाला बड़ा हलीम था इसलिए उसकी दुआ सुनी गई, और जो फरीसिया हो तो मकबूल सा था। पर ये ज्यादा मैंने जितना खुदा के कलाम में से सीखा है, और खासतौर पर जब हम तमसीलों को देखते हैं तो तमसीलें जो है वो इंसानों के बारे में नहीं है, वो इंसानों को नहीं बयान करती, उनके खुदा के किरदार के बारे में। तमसीलें जो है वो यीशु खुदा के किरदार के बारे में बताता है। हमने ऊपर की तमसील के बारे में बात की, बेइंसाफ काजी और बेवा, तो क्या आपका कहना है वो बेवा या बेइंसाफ काजी, नहीं वो खुदा के इंसाफ के बारे में थी, ठीक है। हम जानते हैं मुस्लिम बेटे को, कभी खुदा ने मौका किया उसको भी मिलकर सीखेंगे, तो क्या आपको लगता है वो तमसील किसके बारे में थी, उस बेटे या बाप के बारे में, खुदा की मोहब्बत के बारे में थी। और ये तमसील भी इंसान के बारे में नहीं है कि फरीसी बड़ा मकबूल था, महसूल लेने वाला बड़ा हम्बल था, या फरीसी बड़ा अजीम इंसान था,
सुन लेने वाला बड़ा था। नो इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट द लव। ये खुदा के बारे में, खुदा की मोहब्बत के बारे में। और हम आगे चल के थोड़ा सा देख लेंगे कि जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि हो सकता है जब हमें इन चीजों का सामना हो, हम अपने इर्द गिर्द देखें, हम भी जो है वो कह देते हैं भाई इसकी सुनी जा रही है इसमें, हम भी तो वो प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन खूबसूरती इस बात की पता क्या है कि खुदा का चुनाव इंसान के चुनाव जैसा है ही नहीं, ठीक है। और ये बहुत इंकरेजिंग और बहुत जबरदस्त बात है कि खुदा का चुनाव इंसान के चुनाव से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान जाहिरी शक्ल सूरत कपड़े सब चीजों पे निगाह कर रहे हैं, पर खुदा किस चीज पर निगाह कर रहे हैं? दिल पर, ठीक है। और जिस शख्स को शायद हम देख के कह रहे हैं कि इसकी नहीं सुनी जाती होगी, पता नहीं उसका दिल मेरे और आपसे कितना ही खुदा के करीब है, और खुदा को पता नहीं वो कितना पसंद है। खुदा के अपने बाप ने जो उसके साथ रह रहा है, जो उसको पैदा करने वाला है, उसने क्या कहा, वो क्या वो लड़का है, उसको क्या उसकी लाल गालें हैं, ऐसा ही है, उसको क्या तू मसा करेगा। वो दिल को जानता ही नहीं था, अपने बेटे के दिल को नहीं जानता था, पर खुदा जो है वो, और वो कहता है कि नहीं मुझे उसको चुनना है, ठीक है। और यहाँ पर भी यही बात है, यहाँ पर भी यही है। अब हमने ये सीख लिया है कि ये जो तमसील है, और सारी तमसीलें हैं, और खुदा का जो गुलाम है, खुदा का गुलाम जो है उसका मरकजी किरदार है ही खुदा को, यीशु मसीह उसका जो है वो मरकजी किरदार है। और हम जानते हैं कि बाइबल और सारी किताबें जो है वो यीशु मसीह के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, ठीक है। और यीशु ने जो गुलाम किया वो भी सारा बाप, ठीक है, वो बाप को ही डिस्क्राइब करता है। वो उनको वो ये नहीं बता रहा था, अब वो उनको ये नहीं बता रहा था कि ये है वो है। अब एक और मजे की बात ये है कि जो वो ये सारी बातें कर रहा है वहां पे लोग हैं। मैंने आपको कहा कि फरीसी जो हैं वो बड़े इज्जतदार लोग थे। अब उन्होंने जो उस वक्त लोग मौजूद थे, सारे फरीसी ना भी हो तो जो दूसरे लोग थे वो भी फरीसियों की इज्जत ही करते थे, ऐसा ही है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, उनके महमो गुमान में भी नहीं कभी आया होगा कि यीशु में सूल लेने वाले को इस कहानी का हीरो बनाए, ऐसा ही है। कभी सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। हमारे सोसाइटी में अगर कोई रिजेक्टेड ग्रुप्स हैं, ठीक है, रद्द किए हुए ग्रुप्स हैं, आप कभी सोच सकते हैं कि उनको वो जगह दे दीजिए और जो बहुत ऊंचे लोग उनको पीछे छोड़ दिया जाए? नहीं, हमारे तासुर ही नहीं होते ऐसे, ऐसा ही है, गलत तो नहीं कह रही। अब जिस तरह पिछली दफा हमने सीखा कि यीशु ने क्या किया, सामरी को कहानी का हीरो बनाया, और हमें नजर आता है कि यीशु हमेशा उन रिजेक्टेड ग्रुप्स को, जिनकी तरफ किसी की नजर नहीं जाती, यीशु की निगाहें कभी नहीं, और हमारे लिए बड़ी उम्मीद की बात है, बड़ी इंकरेजमेंट की बात है, बड़ी हौसला अफजा बात है कि अगर आपको लग रहा है ना कि यू आर रिजेक्टेड, आपके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, तो ये बात याद रखी गई यीशु का ध्यान। अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी कोई दुआ सुनी नहीं जा रही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, वो सुनी जा रही है, और वो वक्त पर उसका जवाब देता है। बशर्ते कि आपका एटीट्यूड उसके साथ कैसा, उस दुआ का एटीट्यूड क्या है। अब मैंने जैसे जिक्र किया कि हम इंसान हैं और हम कमजोर हैं, गुनाहगार इसलिए नहीं कह रही क्योंकि यीशु ने लहू की कीमत से गुनाह धो डाला, ठीक है, उसने हमें मोल लिया। हम इंसान हैं और कमजोर हैं, और हमसे गलतियां भी होती हैं, लेकिन हम किसी की कमजोरी की वजह से ये नहीं कह सकते कि ये तो है ही बस कौन ना उम्मीद है इसका कुछ नहीं। अगर आप इस गुनाहगार की तरह, इस कमजोर महसूल लेने वाले की तरह, अगर आप यीशु से दुआ करते हैं ना, तो आप यकीन जाने इसकी तरह अगर आप पूरा का पूरा इंसान आप यीशु पर रखेंगे, खुदा पर रखेंगे, तो मैं जो है वो 200% कह सकती हूँ आपकी कोई दुआ रद्द हो ही नहीं सकती, डिले हो सकती है, जवाब में जो है वो डिले आ सकता है, रद्द नहीं हो। और जब हम बात कर ही रहे हैं दुआओं का, हम
अक्सर हम ना उम्मीद हो जाते हैं जब लंबे अरसे तक दुआ कर रहे हैं नहीं सुनी जा रही, इंसान है ना मैंने कहा कमजोर है, ना उम्मीद हो जाते हैं, लेकिन आप यकीन कर बाइबल भरी पड़ी है खुदा का कलाम भरा हुआ है, जब खुदा के लोगों की दुआएं लंबे लंबे अरसे तक, क्या वो गुनाहगार थे, लंबे लंबे अरसे तक जो है वो जवाब, और अगर मैं अपना शख्सियत का तजर्बा बताऊं तो कभी कभार ऐसा लगता है कि जो दुआ हम कर रहे हैं, मुझे शख्सी तौर पर ऐसा कभी कभी लगता है जब लंबे अरसे तक दुआ कबूल ना हो तो फ्रस्ट्रेशन भी आती है, मैं क्योंकि मैं यीशु नहीं, मैं एक कमजोर इंसान और आप के अंदर थोड़ा गुस्सा भी आता है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि वो जो दुआ है वो सिर्फ अल्फाज ही है और वो खुदा के सलीम कर रहे हैं, इंसाफ काजी को याद रखिए, जब वो आप वो बेवा तंग कर दी थी ना उसे तंग होके कहा याद छो, तो खुदा जो हमारा इंसाफ करने वाला है वो कर रहा है, आपकी कोई दुआ रब नहीं बशर्ते कि आप मेरे वाले मानन अपना भरोसा अपने ऊपर से हटा कर उस परीसी की मानंद अपने ऊपर नहीं बल्कि, ठीक है। अब अगर रास्तबाजी की बात कर लें तो अगर वाकई रास्तबाजी की बात होती तो रास्तबाज तो फरीसी था, फरीसी था और उसको देने वाला तो गुनाहगार ही था, पर जैसा मैंने कहा ये तो बारे में बात की नहीं, ये बात किसके बारे में, ये तो खुदा के किरदार के बारे में, यीशु खुदा के किरदार के बारे में था। और हमने देखा आखिरी आयत क्या कहती है और यही मरकजी आयत 14वीं आयत, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे के नस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, रास्तबाज कौन ठहरा, महसूल लेने वाला, महसूल लेने वाला, और वो कहता है क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की नस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा जो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अब यहाँ पर रुक के हमें थोड़ा सा ये भी देखने की जरूरत है कि बड़े और छोटे, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि बड़े और छोटे की बात है तो बड़े और छोटे की बात ये थी कि वो फरीसी ने अपने आप को बड़ा कैसे बनाया, मैं है ना, और उसने ये नहीं सोचा कि मुझे जरूरत है, मैं ही बड़ा हूँ, आसमान के खुदा से भी मैं ही बड़ा हूँ, और उसने अपने आप को छोटा कैसे बनाया, उसने कहा कि मुझ पर रहम कर, उसको पता कि मुझसे बड़ा है वो मुझ पर रहम कर, और उसकी दुआ जो है वो उस दुआ की मानंद है जो यीशु ने अपने शब्द में, अगर हम गौर करें ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, दुआए रबानी क्या है, शुरू कहाँ से होती है, खत्म कहाँ पे होती है, खुदा पे ही शुरू, खुदा पे ही खत्म, क्योंकि खुदा वो आप कभी सोच सकते हैं वो दुआ ही नहीं है जिसमें खुदा की बात है, ठीक है। वो मुझे तो लगता है उस बेचारे ने दुआ तो की नहीं, पर इसी बेचारा आया तो दुआ करने था, पर उसकी दुआ मुझे तो दुआ नहीं लगती, खुदा दिया वो तो जी, उसके जो अल्फाज हैं वो क्या हैं, वो बस अपने अपने बारे में, उसको खुदा की जरूरत मालूम नहीं होती। और बहन ने बिल्कुल सही कहा कि खुदा दिलों और खुदों को जानने वाला, और आखिरी आज में हमें ये सब बता भी देता है, है ना, वो बता देता है कि कौन रास्तबाज ठहर के अपने घर गया, वो बेचारा खाली हाथ आया था क्योंकि उसने कुछ मांगा नहीं था, उसको जरूरत नहीं थी शायद, उसने ना रहम मांगा ना कुछ मांगा ना बरकत मांगी, उसको लगा कि मेरे पास मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। वो खाली हाथ बेचारा आया था और वैसे का वैसा चला गया। अब हमें दो लोग नजर आते हैं, दोनों आए हैकल में दुआ कर रहे हैं, फर्क क्या है, एक जो है जैसा आया दूसरा देखिए क्या खूबसूरत काम खुदा ने उसके साथ किया, क्या किया, तो रास्तबाज ठहर के अपने घर जा रहा है, वो क्या कहते हैं, क्या कह रहा है वो, मुझ गुनाहगार पर, गुनाहगार और रास्तबाज को देखें तो ऑपोजिट है, वो अपने आप को गुनाहगार कर रहा है पर खुदा उसको क्या ठहरा रहा है, रास्तबाज ठहरा, ठीक है। तो ये एक जबरदस्त बात है,
अब क्योंकि मैंने कहा कि जो तमसील है ना, और ये भी तमसील, ये इंसान के बारे में नहीं है, जो किरदार है उनके बारे में नहीं, ये तो खुदा के बारे में, और ये तमसील खुदा के प्यार के बारे में, खुदा के उस प्यार के बारे में जो लामहदूद है, ठीक है, उस प्यार के बारे में जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, और वो प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो डिजर्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि खुदा का कलाम तो कहता है सब में गुनाह के और खुदा के जलाल से, और खुदा का कलाम क्या कहता है, हमारी अपनी राजबाजी गंदी धज्जियों की मार, गंदी बहुत फिल्थी क्लॉथ, बहुत गंदा कपड़ा है, ठीक है, तो अपनी राजबाजी भी वो है, और वो बेचारा फरीसी जो अपनी उस गंदे कपड़े पे फसक करके घर चला गया, और लेकिन मसूल लेने वाले को पता है एक राजपास है, वो खुदा है, और वो हमें राजपास आमें। अब खुदा का जो प्यार है वो लामहदूद है, और जो जो उससे मांगता है ना उसको वो देता है, और वो प्यार पाने के लिए ना आपको फरीसी बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको अपने नेकी के काम और अपने बड़े बड़े काम, मैंने अक्सर आज भी दुआएं सुनी हैं अपनी तारीफ की, ऐसा नहीं है कि वो फरीसियों के दौर में अभी भी कि हम ये करते हैं हम वो, लेकिन आप ये नहीं कहते कि हमने ये नहीं किया खुदा मुझे माफ कर, मैं नहीं कर पाया, है ना, है ना, और वो महसूल लेने वाला कहता है और वो रास्ता चला जाता है, क्योंकि खुदा का प्यार जो है वो लामहदूद है, वो लिमिटेड रिसोर्स नहीं है, वो हर उस शख्स के लिए जो मांगेगा, बेशक जितना गुनाहगार हो, बेशक जितना बदकार हो, बेशक वो औरत हो जो एन फेल के वक्त पकड़ी गई, उसके लिए भी उसका रहम और प्यार, उसका तर्स बह रहा है, बहता हुआ दरिया है जो हर वक्त बह रहा है, और वो सबके लिए, बशर्ते के आप आके कहें कि मुझे, ठीक है, परी महसूल लेने वाले ने मांगा और फरीसी को नहीं चाहिए था, उसने नहीं चाहिए था, उसने नहीं मांगा, नहीं था, और वो जैसा आया था वैसे ही अपने घर लौट गया, मगर महसूल लेने वालों को देखें तो यीशु के ग्रुप में बड़े महसूल लेने वाले, मत्ती था, ठीक है, सबसे पहले तो और भी थे दीगर, फिर ज़काई का पास्टर साहब ने पिछली दफा भी जिक्र किया, ज़काई यानी कि महसूल लेने वाले के जो रिजेक्टेड रद्द किया हुआ ग्रुप था उस वक्त का, उनके लिए यीशु के पास जिनको कोई नहीं ना पूछता यीशु उनको भी पूछ लेता, ठीक है, यीशु के लिए जोरदार था, ज़काई को दरख्त के नीचे बुलाता है, उसको क्या करता है, निजात देता है। अब एक और बात है, हम सोच रहे होंगे कि नहीं, अब फरीसियों के लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं है, फरीसी पर ऐसा भी नहीं है, याद करें पौलुस रसूल, यसु को जब वो दमिश्क की राह पर जानता है उससे पहले क्या है, फरीसी और कलीसिया को सिखाने वाला, इसका मतलब है कि खुदा का कलाम सबके लिए, खुदा का रहम और तर्स बहरा है सबके लिए, जो उसमें से पाना चाहे वो उसमें से ले सकता है, और खुदा का प्यार जो है वो डिजर्व करने वालों के लिए, कि मैं ये काम करूंगी, मैं बेइंसाफ गुनाहगार और ये नहीं हूँ, और इसमें सुन लेने वाले की तरह भी नहीं हूँ, और मैं रोजा भी रखती हूँ, दो रोजे रखती हूँ, और मैं तो देती हर चीज पर देती हूँ, तो अब खुदा को तो उस क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। मैंने शुरू में जिक्र किया कि मिट्टी के खाली बर्तन, खुदा चाहता तो अपने लिए बड़े आलिम फाजिल लोग चुन लेता, लेकिन यीशु ने क्या कहा कि तूने ये बातें जहां के हकीमों से छुपाई और हम बच्चों और नादानों पर, तो इस वक्त अगर खुदा चाहता तो किसी हकीम को ना खड़ा कर सकता था, लेकिन मैं शुक्र करती हूँ कि मुझ नादान को उसने खड़ा किया, ताकि मिट्टी के इस खाली बर्तन में से उसकी रोशनी, उसका जलाल, ठीक है, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसके पास सब कुछ है और वो देने में काबिल है, बशर्ते कि आपका मांगने का एटीट्यूड उसके साथ है। ऐसा नहीं कि आपसे गलती ना हो, क्योंकि गलती हो, आप में कमजोरियां भी हैं, क्योंकि मैं फिर से कहूंगी हम यीशु तो नहीं है, और जब तक हम इस जमीन पर हैं हमसे गलतियां भी हों, हमारे अंदर कमजोरियां भी हों, हमारे आंसू भी रहेंगे, क्योंकि आंसू तो सारी चीजें नहीं तो तब बनेंगे जब नया शहर बनेगा, लेकिन इस खेमे की दुनिया में भी चीजें ना उम्मीद नहीं है, क्योंकि यीशु में
हमें बड़ी ठीक है, क्योंकि उसका प्यार और हर वक्त उन तमाम लोगों के लिए है जो उससे मांग। खुदा आज के कलाम से हम सबको बरकत दे।